हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉडमास रूल। तो देखिए, बॉडमास रूल क्या है, ये जो है हमें बताता है कि किस सीक्वेंस में हमें जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो बॉडमास जो है एक एक्रोनिम है, जहां बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ जो है ऑफ होती है, डी डिविजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें इसी ऑर्डर में जो है सारे हमें अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में, ठीक है, तो हमें इसी ऑर्डर में परफॉर्म करना है अपना ऑपरेशन। तो ब्रैकेट में भी देखिए, आपके अलग अलग टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो एक आपकी होगी छोटी ब्रैकेट पहले हो जाएगी, ठीक है, तो छोटी ब्रैकेट ऐसे हो जाती है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट होगी और स्क्वायर ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट हम बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसमें जो ऑपरेशन का रूल होता है वो इस ऑर्डर में होता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हम ऑपरेट करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ऑफ देखिए, ऑफ का मतलब क्या होता है, सपोज कुछ फ्रैक्शन ना, ठीक है, 2/3 ऑफ 16। ठीक है, तो एक तो आपका होता है फ्रैक्शन ऑफ, दूसरा क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ का अगर एग्जांपल हम बोले तो 1/2 ऑफ 12। तो इसे हम पहले ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाद इसी को करना है, तो 1/2 ऑफ 12 मीन 6 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका होता है पावर ऑफ, पावर ऑफ, सपोज आपके दिए हुए हैं 2 to the power 2, ठीक है, 2 power 2, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 4। सिमिलरली अगर अंडर रूट 4 है तो उसे भी हमें ऑपरेट करने हैं। तीसरा आप बोल सकते हैं ऑफ की बात करें तो परसेंटेज ऑफ, परसेंट ऑफ, ठीक है, कितना परसेंटेज है, तो सपोज 50% ऑफ 10, तो ये आपके हो जाएंगे 50% ऑफ 10 कितना, 5 हो जाएगा। तो ये ऑफ का मीनिंग हो गया। डी डिविजन, एम मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। और एक चीज इसमें नोट करने वाली बात है, एक आपके बार होते हैं और वर्नकुलम भी बोलते हैं उसको, वर्नकुलम, ठीक है, और इसे बोली जाती है बार। तो इसे डिनोट करते हैं ऐसे, देखिए जैसे मान लीजिए इसके नीचे आपको 2+5 है, ठीक है, तो जो भी बार के अंडर होती है सबसे पहले हमें उसे ऑपरेट करनी होती है। ठीक है, तो अगर वर्नकुलम को भी हम इंक्लूड कर देंगे तो बॉडमास जो है हमारा हो जाएगा भी बॉडमास, भी बॉडमास। तो आप कहीं कहीं देखिएगा कि भी बॉडमास लिख रहा है, ठीक है, भी बॉडमास। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो सपोज आपके हैं 1+2/5, ठीक है, वैसे तो देखिए डिवीजन जो है प्लस के पहले होगा, बट यहां पर क्या है, बार है, तो पहले हम ऐड करेंगे तो 3/5 हो जाएगा और 3/5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बॉडमास का रूल। चलिए कुछ प्रॉब्लम इसके ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, इसे हमें सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, हमें बॉडमास रूल यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हम देखेंगे तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले उसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ 1/2, ठीक है, 2 ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट करेंगे, 1+1/1 into, अब देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर डिवीजन है और प्लस है, तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना होता है, तो 1+1/2, ठीक है, चलिए ब्रैकेट क्लोज, +1। अब आगे क्या करना है, बाकी सभी सेम होंगे, 1+2 ऑफ 1/2 डिवीजन, 1+1/1, और ये आपको 1+1/2 कितना हो जाएगा, 3/2,
तो 1 इनटू 3 बाय 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 इनटू 3 बाय 2 और मिडिल ब्रैकेट प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ऑफ 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां देखिए 1 इनटू 3 बाय 2, तो ये 3 बाय 2 आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, अगर डिवाइडेड बाय को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो ये 3 बाय 2 को हम 2 बाय 3 लिख सकते हैं, 2 बाय 3, ठीक है। अब ये हमारा हो गया प्लस 1। अब देखिए मिडिल ब्रैकेट हम पहले ओपन कर लेंगे, 1 प्लस 2 ऑफ 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 1 इंटू 2 बाय 3 तो 2 बाय 3 हो गया, तो 1 प्लस 2 बाय 3 कितना हो गया, 5 बाय 3, ठीक है। तो 1 प्लस 5 बाय 3 हो जाएगा प्लस 5 बाय 3। अब देखिए अब जो बची हुई है उसमें सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट हटाना है, ठीक है, उसके अंदर जो भी है उसकी ऑपरेशन पहले करनी है। तो ये आपकी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसमें जो ऑपरेट करना है सबसे पहले हमें डिवीजन के पहले ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑफ बॉडमास होता है तो डिवीजन के पहले ऑफ आएगा, तो 1 प्लस 2 ऑफ 1 बाय 2 मीन्स 2 इंटू 1 बाय 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 बाय 3 प्लस 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 5 बाय 3 तो मल्टीप्लीकेशन में उससे लिख लेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 बाय 5 हो जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3 बाय 5, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए ये हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 बाय 5 आपका हो जाएगा 8 बाय 5, तो ये आपके हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 8 बाय 5 प्लस 1। अब डिवीजन पहले करना है तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में उल्टा हो जाएगा आपको 5 बाय 8, 5 बाय 8 प्लस 1, और ये हो गया आपका 13 बाय 8, ठीक है। तो बॉडमास रूल यूज करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पर क्या है आपका बार भी है, देखिए वर्णकुलम बार है, ठीक है, बार यहाँ है, तो बार सबसे पहले हमें ऑपरेट करना है, ऑर्डर हमें याद रखना है, ठीक है, बी बॉडमास, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हमें बार को सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए ये हम 4, 3, 12, 1, 13, तो 13 बाय 4 डिवाइडेड बाय ये आपके हो गए 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 2, और इधर हो गए आपके 5 बाय 2, ठीक है, और बार के अंदर का क्या करेंगे हम एलसीएम लेके ऑपरेट करेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 12 और 3 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए बार तो आपका खत्म हो गया, आप छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है सबसे पहले उसे ऑपरेट करने हमें, तो ये आपके हो जाएंगे 13 बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 2। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, चलिए एक बार और लिख देते हैं 5 बाय 2 माइनस 1 बाय 12, ठीक है। चलिए 13 बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 2, और ये एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 6 इंटू 5 30 माइनस 1, ठीक है, तो 29 बाय 24 ये हो जाएंगे आपके, तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 बाय 4 माइनस 29 बाय 24, ठीक है, 12 इंटू 2 29 बाय 24। अब हमें मिडिल ब्रैकेट पहले ऑपरेट करने हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 13 बाय 4 डिवाइडेड बाय ये देखिए 29 बाय 24, तो
अगेन हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 24 हो जाएंगे आपके, 24 तो 6 इंटू 5 30 माइनस 29, ठीक है। अब मिडिल ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो 13 बाय 4 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 बाय 24, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो इन्वर्स कर ले लेंगे 1 बाय 24 को, 24 से मल्टीप्लाई करें तो 13 बाय 4 इंटू 24, ठीक है, 4 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 78 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बॉडमास रूल और उसके बेस पर प्रॉब्लम सॉल्व किए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।